आपको स्वर्ण काका की, उसी को हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, स्वर्ण काका यानी सोने का कौआ, ये विश्व कथा शतकम से संकलित है, कथा है और पाठ द्वितीय है। उसी के आगे का हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्यं ताम प्रत्यवदत्। बालिके यतेक्षम ग्रहण मंजूषा में काम लघुत्तमाम मंजूषाम प्रग्रह बालिका कया कथितम यत ए मदियम मदीय तांडुलाम मूल्यम। ग्रहमागत तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महाहरणी ईर्काणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तन्निधाद्य निकासा संजाता। जैसे कि हमने आपको समझाया था, बताया भी था कि शब्दार्थ समझ लीजिए पहले, कि ऐसा कहकर, इत्युक्ता माने ऐसा कहकर, अभ्यांतरात यानी अंदर से, है ना, अंतर्भागात, त्रिशः माने तीन, त्रयम् मंजूषाम संदूकें पेटिका, निस्सार यानी निकाल कर, निष्कास्य यानी होता है, ताम माने उससे, बालिकाम, फिर है प्रत्यवदत यानी कहा, यतेक्षम इच्छानुसार यानी इच्छा के अनुरूप, ग्रहण ले लो या ग्रहण कर लो, स्वीकार रो तू, लघुत्तमाम यानी सबसे छोटे कनीयसी, प्रग्रह लेकर स्वीकृत्य, इत येव यत एव इतना ही, है ना, मदीय माने मेरे, आगत्य माने आकर, तया माने उसके द्वारा या उसने, बालिका समुद्घाटिता यानी खोला यानी उद्घाटन करना उसका, और तस्याम माने उसमें, महाहारणी बहुमूल्य हीरकाणी हीरे बिलोक यानी देख कर प्रहर्षिता है खुशी हुई, तद्धना दानिका तद्धना धानिका यानी उस दिन से धनी, तद्धनाद धानिका यानी धनी होना, उस दिन से धनी होना संजाता यानी हो गई। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि एक वृद्ध निर्धन स्त्री, जो वृद्ध महिला है और उसकी एक बहुत अच्छी मनोहर विनम्र एक पुत्री है, और जिस प्रकार वह आदेशित करती है कि आप मतलब उसको आदेशित करती है उस लड़की को कि ये जो दाने हैं चावल के, इनको आप सुखाएं और पक्षियों से इनकी रक्षा करें। तो आपने, मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्वर्ण मतलब जो पंख वाला, सोने के पंख वाला जो कौआ है, जिसकी चोंच चांदी की है, जैसे कि उसने कभी नहीं देखा, वह आकर उसके क्या खा लेता है, चावलों को चुन लेता है। तो इस प्रकार से तो वो रोती है कि नहीं नहीं आपने क्यों मतलब क्यों खाया, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको इसके मूल्य दूंगा, आप मेरे वहाँ पर पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आइए और मैं आपको जो चावल मैंने खाया उसके। इसी के आगे जब वो जाती है वहाँ पर और वो पूछता है, तो इसी के आगे की जो कथा है कि ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से कितनी संदूकें निकाल कर उस बालिका से तीन संदूकें निकाली, कितनी, तीन, और क्या कहा बालिके, इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो, और सबसे छोटे संदूक को लेकर बालिका ने कहा इतना ही मेरे चावलों का मूल। उसने लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया, उसने क्या कहा कि ठीक है जो छोटी वाली संदूक है वो आप मुझको दे दो, और इस प्रकार से उसने सबसे छोटी वाली जो संदूक है उसको ले लिया। घर आकर उसने संदूक खोला, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह क्या हो गई, खुश हो गई, और उस दिन से वह बालिका धनी हो गई। ये आपको मैंने समझाया था कि वो संतुष्ट थी, इसलिए वो क्या हो गई, अपने आप में संतुष्ट थी कि नहीं मुझे ज़्यादा बड़ी संदूक नहीं चाहिए, क्योंकि उसने लालच नहीं किया, लोभ नहीं किया, और इस प्रकार से वह उसने छोटी संदूक ले ली। इस प्रकार जो बालिका है उसको अपने चावल का जो मूल्य है वह उस स्वर्ण पंख वाले कौवे ने उनको दे दिया। इस प्रकार से वह बालिका जो है क्या हो गई, प्रसन्न हो गई, और उस दिन से वह बालिका क्या हो गई, धनी हो गई। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वो क्या हो गई, धनी हो गई। चलिए आगे इसके हम पढ़ते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपुरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपुरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्।
नैव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत् तस्यापि एका पुत्री आसीत् ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती सूर्यातपि तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वस्वता रक्षार्थं नियुक्ता तथैव स्वर्णपक्षा काका तण्डुलान् भक्ष्यन् तमापि तत्रैव वाकारिरत्य प्रातस्य तत्र गत्वा सा काकं निर्भस्यन्ति प्रवोचत् भो नीच काका अहमागता मां तण्डुलं मूल्यं प्रयक्ष काको ब्रवीत् अहं त्वत् कृते सोपानम् अवतारयामि तत्कथया स्वर्णमय रजतमय ताम्रमयं वा गर्वतया बालिकाया प्रोक्तं स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि परं स्वर्णकाकस्य तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रयक्षत् स्वर्णं काकस्य तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत् अब इसके बाद आगे क्या हुआ पहले हम इसके शब्दार्थ को समझेंगे फिर इसको और समझाते हैं। तस्मिन् नैव यानी उस ही अपरा माने दूसरी लुब्धा लुब्धा माने होता लालची तस्मिन् ग्रामे अपरा लुब्धा यानी एक लालची न्यवसत रहती थी तस्या यानी उसकी यानी उस वृद्ध की ज्ञातवती यानी जान लिया तयापि यानी उसने भी स्वासुता अपनी पुत्री निज पुत्री नियुक्ता लगा दिया यानी योजिता तथैव यानी उसी प्रकार तदैव भक्ष्यन यानी खाते हुए खाद्यन ताम अपि उसको भी ताम अपरा वृद्धा पुत्रीम अपि यानी तत्रैव वाकारयत यानी नहीं वहीं बुला लिया तस्मिन् स्थाने आयत निर्वत्स्यन्ति निंदा करती हुई निंदयन्ति प्रवोचत बोली अथ कथयत अकथयत महम मुझे प्रयक्ष्यन दो ददातु त्वत्कृते तुम्हारे लिए अवतारयामि उतारता हूँ गर्भतया बालिकाया घमंडी बालिका के द्वारा यानी नहीं या अहंकारी बालिका जिसको कहना चाहिए भाजने बर्तन यानी पात्र अकार्यत यानी कराया। अब यहाँ मैं आपको समझाती हूँ तस्मिन् नैव ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा निवस यानी उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया भी रहती थी लुब्धा माने लालची तस्यापि एका पुत्री आसीत् उसकी भी क्या थी एक पुत्री थी ईर्ष्या यानी जलन ईर्ष्या के कारण उसने स्वर्ण काकस्य वाली जो बात है उस सोने के कौवे के रहस्य को क्या कर लिया था उसने जान लिया था उसी प्रकार से सोने के पंख वाले कौवे ने चावल को खाते हुए उसको भी क्या किया वहीं बुलाया जहां उसने पहले उसको बुलाया था तो सुबह जब वहां जाकर वह कौवे की क्या करती हुई बोली निंदा करती हुई क्योंकि जब वो उसने चावल फैलाए और वो कौवे ने आकर के खाया तो फिर उसने फिर पहुंच गई वो वहां पर जहां वो कौवा का जहां महल था और वहां पर जाके उसने क्या बोला तथैव स्वर्ण पक्षा काका तांडन भक्षण उसने खा लिए और फिर इसके बाद वहीं बुलाया उसको स्वर्ण कौवे ने उसको क्या बोला कि आप भी कहां पर आए वहीं पर आए पीपल के वृक्ष के ऊपर वहीं पीछे कौवे ने चावल को खाते हुए उसको भी वहीं क्या कर लिया बुला लिया। सुबह वहां जाकर कौवे की निंदा करती हुई बोली क्या बोली वो भो नीच काका अरे नीच कौवे अहमागता मैं क्या हूं मैं आ गई हूं और महाम तांडुलम मूल्यम प्रयक्ष मुझे चावलों का मूल्य दो ऐसा उसने कहा। कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं जैसे कि उसने उस लड़की से भी बोला था तो उसने निर्धन लड़की से वहां से उसमें बोला था कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं तो उससे भी बोला तो बताओ कौन सी कौवा ब्रवीत बोला उसने है ना तत् कथा है स्वर्णमय रजतमय सोने की उतारू कि चांदी की उतारू कि तांबे की उतारू तो इस प्रकार से उसने गर्भिता बालिका तो वो घमंड से पूर्ण जो बालिका थी वो बहुत ज्यादा घमंडी थी तो उसने क्या बोला स्वर्णमयेन सोपानेन आम आग अरे मेरे लिए सोने की सीढ़ी को उतारो मैं उससे ही ऊपर आऊंगी परम स्वर्ण काकस्य तत्कृते ताम।
क्या किया कौए ने, उसने बोला कि सोने की सीढ़ी आप मेरे लिए दीजिए, लेकिन कौए ने क्या किया, उसको सोने की सीढ़ी नहीं दी, उसने कौन सी सीढ़ी दी, तांबे की सीढ़ी ही दी। और सोने के कौए ने उसको भोजन भी किसमें कराया, उसने बोला कि आप किसमें भोजन खाएंगे, कौए ने पूछा कि सोने की थाली में कि चांदी की थाली में कि आप तांबे की थाली आपको, तो उसने बोला सोने की थाली में, तो कौए ने उसको किसमें कराया, स्वर्ण कौए ने उसको तांबे के बर्तन में ही क्या कराया, भोजन कराया। इस प्रकार से कौए ने उसकी नहीं सुनी और कौए ने उसको क्या कराया, वैसे ही भोजन कराया। इस प्रकार से प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा त्रिस्य मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्तता लोभाविष्टा सा बृहत् तमाम मंजूषा गृहीतवती गृहमागत्य सा तार्षिता यावत् मंजूषा मुदुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम् तदनन्तरं सालोभं परत्यज्यत। शब्दार्थ समझिए, प्रतिनिवृत्ति काले वापस आते समय, यानी जब वो लड़की वहां से वापस आने लगी, वो बालिका वहां से वापस आने लगी, समूह क्षिप्तता रखे, यानी उसके सम्मुख एक चीज उसने प्रस्तुत की, तत्पुरा उसके सामने, तस्य पुरता लोभाविष्टा लालची लोभेन पुरता बृहत तमाम सबसे बड़ी बृहत आकारस्य गृहीतवती ले ली सुकृतवती आगत्य आकर तर्षिता व्याकुल उद्घाटित, यानी वो खोलती है उसको, क्या करती है, खोलती है, और तावत तस्यां वैसे ही उसमें भीष्ण भयंकर कृष्ण सर्प काला सांप विलोकति देखती है परित्यजत छोड़ दिया। वापस आते समय, इसका हिंदी अनुवाद समझिए, वापस आते समय सोने के कौए ने कमरे के अंदर से 3 संदूक लाकर उसके सामने रखी, उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ली, घर आकर व्याकुल होकर वह जैसे ही संदूक खोलती है वैसे ही उसमें भयंकर काले सांप को देखती है। लालची लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया, उसके बाद उसने लालच को क्या किया, लालच को छोड़ दिया। इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको समझाया कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच से क्या हुआ, सारा काम बिगड़ गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। एक पदेन उत्तरम जो है इसके हम इसको पढ़ते हैं, माता काम आदि शर, माता ने किसको आदेश किया, तो आपको याद होगा कि माता ने किसको आदेश किया था, पुत्री, पुत्री किसको आदेशित किया, यानी पुत्री को। दूसरा है स्वर्ण काका कान अखादत, सोने के कौए ने किनको खाया, तो सोने के कौए ने किनको खाया, तंडुलान, तंडुलान किसको कहते हैं, चावलों को, है ना, तो सोने के कौए ने किसको खाया, चावलों को खाया। प्रसाद कीदृशः वर्तते, जो उसका महल था कौए का, तो वो कैसा महल था, कैसा महल था, स्वर्णमय, कैसा महल था, स्वर्णमय यानी सोने का बना हुआ। प्रसादा की दृशा वर्तते, महल कैसा था, स्वर्णमय सोने का बना हुआ था। गृहमागत्य तथा का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोली गई, घर आकर उसके द्वारा मंजूषा यानी संदूक पेटी, क्या होती है, मंजूषा माने होती है पेटी, यानी इसके द्वारा पेटी खोली गई। लोभाविष्टा वालिका की दृशिम मंजुषाम, लोभाविष्टा वालिका की दृशिम मंजुषाम नयति, लालच से भरी लड़की कैसी संदूक ले जाती है, तो आपको मालूम होगा कि कैसी ले गई थी, बृहत तमाम यानी सबसे बड़ी, क्या ले गई थी, वो सबसे बड़ी पेटी लेकर के गई थी। इस प्रकार से जैसे कि बच्चों मैंने आपको इसमें कथा में समझाया कि हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, जैसे कि उस बच्ची ने, उस बालिका ने किया, क्योंकि उसने सोने की सीढ़ी भी ली, बड़ी बड़ी वाली पेटी भी लेकर के गई, सोने की।
शिक्षा मिलती है। इसके आगे के जो और प्रश्न उत्तर हैं